मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर मैं रामेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज हम पहुंचे हैं बुढ़ाना ब्लॉक के ग्राम पंचायत बैरामगढ़ में और यहां से हमारे साथ प्रधान पद के प्रत्याशी सत्यप्रकाश जी हैं इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं और पंचायत का किस तरह से विकास कार्य कराना चाहते हैं वो सत्य प्रकाश जी आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और गांव के बारे में आपकी क्या सोच है किस तरह से आप विकसित करना चाहते हैं पंचायत को हाथ जोड़कर ग्रामवासियों को नाम नमस्कार गांव में आपकी सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी ये साफ सफाई की रहेगी और कूड़ी गड्ढे जी जी। का इनका निर्माण कराया जाएगा जी। और जो रास्ते टूटे फूटे पड़े हैं जी। इनकी व्यवस्था जो कच्चे रास्ते पड़े हैं उनको मरम्मत है इन पर आगे तक और जो आपके यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है उसे अपग्रेड कराने के आपके क्या कोशिशें रहेंगी उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जी और कहीं से भी कहीं भी मंत्री वगैरह जाकर के इसकी व्यवस्था पूरी कराएंगे जिस कर राज्य के इंटर कॉलेज बन जाए करना, करना पाठशाला ये ये व्यवस्था रहेगी आपसी विवाद गांव में हो जाते हैं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उन्हें आप किस तरह से कवर करने के उन्हें किस तरह से समाधान करोगे उन्हें पहले तो कोशिश अपने गांव में ही की जाएगी जी जी ज्यादा झगड़े जो ज्यादा भयंकर झगड़े हो जाए तो उसकी तो निष्ठान अधिकारी करेंगे जी, जी, लेकिन जो आपस में छोटा मोटा झगड़ा हो जाए बड़ा थोड़ा घना वैसे झगड़ा हो जाए जी, उसको जी, हम गांव में ही निपटाने की कोशिश करेंगे गांव में गरीब तबके के लोगों को विकास की ओर ले जाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे ये जैसा लेडीजों के लिए है जी, जी, सिलाई सेंटर जी, और सहायता समूह इकट्ठा करके इनके कोई रोजगार की को� व्यवस्था करें स्वरोजगार स्वयं रोजगार और पेंशन योजनाएं आती है ये वर्धा पेंशन हमारे गांव में बहुत दिनों से ना तो वर्धा पेंशन आती है विधवा तो पेंशन आती है किसी को कुछ बता दें किसी को कुछ बता दें दे, दे, हम सारे प्रयास ऐसे करेंगे जिस तरह जिसको वादा करेंगे तो पक्का करेंगे जिसकी भी रुक रही होगी उसे चलवाएंगे जो नष्ट पड़ी जो ज, जो कहते हैं भाई हमारी तो आ नहीं रही उनकी व्यवस्था करेंगे मंगवाने की अधिकारी द्वारा कहे जाएगा भाई इनको चलवाओ और और नई बनवाओ जो गांव के युवा है युवाओं को आप क्या प्राथमिकता दोगे हमारे गांव में युवा क्रीड़ा स्थल ये बनवाया जाएगा और जिम वगैरह का भी इस, इनके लिए व्यवस्था की जाएगी तो और के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते आप स्वास्थ्य के, के बारे में एक एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र भी का भी प्रयास करेंगे जिस तरह के थोड़ी मेडिसिन वगैरह दवाई वगैरह गांव में ही उपलब्ध हो जाए जिससे के गाँव में जा के इनकी दवाई पंटी हो जाए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी कहीं जाता है डॉक्टर ना मिले तो स्थान पर प्राइमरी स्कूल के आसपास ही कोई ऐसी डिस्पेंसरी खुलवा दी जाए कोई और विशेष बात कोई विशेष मुद्दा गाँव में कूड़ी गड्ढे जो बहुत दिनों से गंदगी पड़ी है गंदगी नाले ये साफ सुथरे करा करके नदी में पास करा दिया जाएगा जिस तरह से निकासी हो जाए और गांव में गंदगी ना हो वो खड्डों को आवंटित करने के लिए आप कोई प्रयास प्रयास अधिकारी द्वारा ये पक्के कराए दिए जाएंगे इनका आवंटन आवंटन करा करके जिन-जिन की कूड़े गड्ढे हैं सा, सड़कें साफ सफाई करके इन इनमें सबके गड्ढे पक्के करा दिए जाएंगे जिस तरीके इन्हें आसानी से कूड़ा डालने की व्यवस्था हो जाए और रास्ते साफ सुथरे रहे वो पेयजल के लिए कोई व्यवस्था आप गांव में देना चाहोगे वो पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था जो छोटी टंकी है जी जी। जो वाटर अच्छा जी। मिले और साफ सुथरा और उसमें फ्रिज वगैरह वाला जी। आरो ओ आर ओ एक दो आरो भी जगह पर सही स्थान पर लगवाएंगे। कोई और विशेष बात आप बताना चाह रहे हो और विशेष बात जो भी समस्या गांव की है लगभग कोई भी और आएंगी तो उनका भी निस्तारण किया जाएगा जी गांव में एक विशेष मुद्दा यह है कि सबसे पहले लाइटों का प्रोग्राम सबसे अच्छे और इनके साथ साथ कैमरों का भी इंतजाम किया जाएगा जिससे कि अपराध ना हो अपराध से बचे जो अपराध ना हो